घुघुस पुलिस ने 10 लाख रुपयों की अवैध शराब मुद्देमाल के साथ जब्त की। वही इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घुघुस पुलिस थाना अंतर्गत घुघुस वनिंग मार्ग पर राजीव रतन चिकित्सालय चौराहे परिसर में गुप्त जानकारी के आधार पर MH 26 AK 1006 डस्टर वाहन को रोककर जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उस वाहन से अवैध शराब की 60 पेटियां बरामद हुई, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए और वाहन 7 लाख रुपए का बताया जा रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का मुद्देमाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रुपेश विजय पद्मगिरवार घुघुस निवासी बताया जा रहा है और अन्य युवक फरार बताए गए हैं। इस कार्रवाई को घुघुस पुलिस स्टेशन के उमाकांत गोकर, महेश कुंभारे, रंजित गुरसे, प्रफुल बिम्बलकर, नीलेश तुमसरे, सचिन रोहे, अजीत देशकर, ज्ञानेश्वर यादव ने अंजाम दिया। इसकी जांच PSI डोंगरे कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से है। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि प्रणय कुमार मंडी की रिपोर्ट।